हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 1 जून, और 1 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज एनालाइज कर रहे हैं। सो आज के द हिंदू एनालिसिस को हम शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं 3 मीडियम्स के थ्रू। तो ये 3 मीडियम्स कौन से हैं? एक तो है देखो टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आपको मयूरी भागवानी के नाम से एक चैनल मिलेगा, जहाँ पे हम इन लेक्चर्स की PDF रोज शाम को 5 बजे 5 PM के आसपास पोस्ट करते हैं। ओके, इसके साथ आप मुझसे मेल ID और ट्विटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करें तो देखो, आज के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो GS1 में हम देखने वाले हैं कल्चर में से लिंगायत दलित प्रोटेस्ट के बारे में। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, हुआ लिंगायत पीपल, इनके बारे में हम देखेंगे। देन ज्योग्राफी में देखेंगे IMD मॉनसून फॉरकास्ट। ठीक है, तो ये IMD मॉनसून फॉरकास्ट क्या है, किस तरह से IMD जो है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस तरह से मॉनसून को फॉरकास्ट करता है, इसके बारे में बताता है, प्रिडिक्शन करता है, इसको देखेंगे। GS2 में देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में से इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ओके, आगे बात करें GS3 में हम एनवायरमेंट में से देखने वाले हैं चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में। एंड सिक्योरिटी में हम बात करने वाले हैं UN रिपोर्ट ऑन तालिबान रजाइम के बारे में। और GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। एक चीज़ और कि कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि इक्वेटर पे से कौन इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से गुजरता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा था ऑपरेशन गंगा के बारे में। मैंने आपसे ये नाम पूछा था कि किस ऑपरेशन के तहत इंडिया जो है अपने फंसे हुए इंडियंस को यूक्रेन से निकाल कर लाया है। तो देखो यहाँ पे मुझे कई सारे आंसर्स मिले, तो मैं उन सब के नाम बता देती हूँ जिन लोगों ने इसके सही आंसर्स दिए थे। तो देखो, एक तो है इकरा परवीन, इन्होंने सही आंसर दिया। शेख समरीन ने सही आंसर दिया। सूरज बेरा ने सही आंसर दिया था। काजल वर्मा ने सही आंसर दिया था। याचिका गौतम है, ठीक है, याचिका गौतम ने सही आंसर दिया था। और बस यही लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आई वॉन्ट कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने से क्या होता है कि पार्टिसिपेट करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपके कमेंट्स के थ्रू, जब आप कमेंट करते हो स्पेसिफिकली, तो आपका जो भी करंट अफेयर का टॉपिक या क्वेश्चन मैंने पूछा होता है, वो चीज़ आपकी रिटेन होती है, आपके दिमाग में रिवाइज होती है, ठीक है। वरना हमें लगता है हमें ये पता है, लेकिन उसका रिटेंशन उतना नहीं होता जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो चलो आगे बात कर लेते हैं आज के पहले टॉपिक की। लिंगायत दलित कम्युनिटीज टेक ऑब्जेक्शन टू न्यू टेक्स्ट बुक्स। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, तो बात यह है कि यहाँ पे कर्नाटका में नई टेक्स्ट बुक्स लॉन्च हुई हैं, ठीक है। अब नई टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं। एक तो जो यहाँ पे बासवन्ना है, ठीक है, बासवन्ना ये एक लीडर रहे हैं लिंगायत कम्युनिटी के, और BR अंबेडकर, ये किसके रहे हैं आप सभी को पता है, BR अंबेडकर लीडर रहे हैं जो दलित कम्युनिटी है उसकी। इनके लेसन्स को एडिट करके दिखाया गया है, ठीक है, ये क्लेम कर रही है लिंगायत और दलित कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इन दोनों कम्युनिटीज़ का कहना ये है कि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन को पढ़ाया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है। जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको छुपा के एडिट करके बासवना और BR अम्बेडकर के जो रोल्स हैं उनको मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है, और एक तरह से सेफ्रोनाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का। नाउ सी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ओके, इसको ऐसे टर्म्स को आपको यूज़ करना चाहिए। देखो अब सेफ्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, सेफ्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि सेफ्रन क्या है आप सभी समझते हो, ये एक पॉलिटिकल टर्म है, ठीक है, पॉलिटिकल टर्म है, और सेफ्रन शोज द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विच इज हिंदू पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हिंदुआइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, ये क्लेम है, ठीक है। तो हमको एकदम ऐसे टर्म्स यूज नहीं करने, क्योंकि हमको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है। हर बार मैंने आपको समझाया है दैट यू आर गोइंग टू बी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसी एक सरकार के साथ नहीं चलते, ठीक है, मतलब किसी एक सरकार के पक्ष में नहीं होते, यहाँ पे किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं होते। गवर्नमेंट जो भी है उस गवर्नमेंट का साथ देना परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है, ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली काम उन्हीं के साथ करना है। इसीलिए हम इन टर्म्स का एकदम ऐसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि सेफ्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि एजुकेशन को भी हम रिलीजन वाइज मेजोरिटी की तरफ यहाँ पे टेंड करवा रहे हैं, ये कहना है लिंगायत एंड दलित कम्युनिटीज का, ओके। तो ये क्लेम है, ऑलराइट, आगे बात करते हैं। अब देखो, देख लेते हैं लिंगायत्स हैं कौन। दलित्स के बारे में तो आप सब ने बहुत पढ़ा है, ठीक है, कौन दलित्स होते हैं, BR अंबेडकर के बारे में आपने बहुत पढ़ा है, लिंगायत्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो लिंगायत क्या है,
एक कास्ट सेक्टर जो कर्नाटका में मेजरली मिलता है, और कर्नाटका में ये ओबीसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब ये जो है ये कम्युनिटी अलग अलग कास्ट से बनी हुई है। अब ये जो अलग अलग कास्ट है ये हिंदुइज्म के कास्ट है, और इन सभी कास्ट ने मिलकर लिंगायत एक कास्ट सेक्ट को बनाया है, ठीक है। ये जो है इनका जो ये एक साथ आई है, जो बहुत सारी, जैसे देखो ये बहुत सारा बड़ा सा हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में बहुत सारी कास्ट है, ठीक है। अब ये जो कास्ट है ये साथ में आई है और इन्होंने एक सेक्ट बनाया है जिसको कहते हैं लिंगायत सेक्ट, ठीक है। अब ये जो सारी कास्ट साथ में आई है, ये क्यों साथ में आई है, क्या कॉमन फैक्टर है इनके पीछे, तो ये सभी जो है ये एक लीडर अपना मानती हैं, अपने एक गॉड मानती हैं, जिसको जिनका नाम है बासवेश्वरा, ठीक है। बासवेश्वरा या बासवना इनको कहते हैं। ये जो है इनकी तरफ एलिजेंस अपना दिखाते हैं, जो इनके टीचिंग है उनकी तरफ अपना एलिजेंस दिखाते हैं। तो बासवेश्वरा या बासवना 12th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और पोएट सेंट रहे हैं भक्ति मूवमेंट के। तो याद रखना, बासवेश्वरा वॉज ह्यूमन बींग जिनको ये वर्शिप करते हैं, जिनकी टीचिंग्स को ये वर्शिप करते हैं, और गॉड की तरह इनको पूजा जाता है, ठीक है। लेकिन ये 12th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे, भक्ति मूवमेंट के एक पैट्रॉन थे, ठीक है, भक्ति मूवमेंट के पोएट सेंट थे। बासवना जो है इनको पॉपुलरली बासवेश्वरा कहते हैं, ठीक है। और इनका इन्होंने किया क्या था, भक्ति मूवमेंट के दौरान जो हिंदू सोशल ऑर्डर था, हिंदू सोशल ऑर्डर में जो इनइक्वालिटीज लाई करती थी बिटवीन डिफरेंट कास्ट, उनके अगेंस्ट ये लड़ाई करी थी इन्होंने, उनके अगेंस्ट ये लड़े थे, और इन्होंने कोशिश करी थी एक इगैलिटेरियन रिलीजियस स्ट्रीम बनाने की, सेक्ट बनाने की, ठीक है। तो शिवा वर्शिप, देखो अब आपको समझ में आना चाहिए, हिंदुइज्म जो है, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंडिया में हिंदुइज्म के 3 मेजर सेक्ट है, ठीक है। एक है शैविज्म, ठीक है, जिसमें शिवा की पूजा होती है, ओके। उसके बाद एक है विष्णुविज्म या वैष्णविज्म, ठीक है, जिसमें विष्णु की पूजा होती है, और एक है शक्ति शक्ति कल्ट, ओके, जिसमें शक्ति की पूजा होती है। अब इसमें भी मेजर शैविज्म और वैष्णविज्म है। अब इस शैविज्म का ही एक सेक्ट है लिंगायत, ठीक है, क्योंकि जो बासवेश्वरा थे या फिर बासवना थे वो इस शिवा वर्शिप के अंदर ही उन्होंने एक सेक्ट की स्थापना करी थी लिंगायत वाले, इसी को वीर शैवम भी कहते हैं, ठीक है, वीरा शैवम। अब यहाँ पे बासवेश्वरा ने ये वीरा शैवम जो सेक्ट की स्थापना करी थी, ये बेसिकली इस उद्देश्य से करी थी कि यहाँ पे जो भी हिंदू सोसाइटी में, हिंदू सोशल ऑर्डर में जो भी इनइक्वालिटीज हैं उनके अगेंस्ट हम फाइट करेंगे और वर्ल्ड को एक इगैलिटेरियन सोसाइटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो शैविज्म का ही एक सेक्ट है वीरा शैवम, ओके। अब देखो यहाँ पे 2 मेन रिलीजियस स्ट्रीम्स होती है हिंदुइज्म में, मैंने आपको समझाया, शैविज्म और वैष्णवास, ठीक है, शैवास और वैष्णवास। अब शैवास और वैष्णवास में जो वीरा शैवा है ये शैवा सेक्ट का ही सबसेक्ट है, ओके। अब देखो शैवास और वैष्णवास दोनों ही वेदास, अगमास, शास्त्रास, पुराणास, इन सबको मानते हैं। बेसिकली जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इनको मानते हैं दोनों, शैवास भी और वैष्णवास भी। लेकिन लिंगायत्स कहते हैं कि हम वैदिक जो प्रैक्टिसेस हैं, वैदिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस या वैदिक लिटरेचर को नहीं मानते, ठीक है। ये बोलते हैं कि हम सिर्फ बासवेश्वरा को मानते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ तो हमने देखी कि लिंगायत्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो बासवेश्वरा है इनके रोल को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है इन द टेक्स्ट बुक्स। दूसरा एक प्रोटेस्ट जो इनका बहुत काफी टाइम से चल रहा है वो ये है कि लिंगायत चाहते हैं कि उनको ना तो यहाँ पे हिंदुइज्म में माना जाए, हिंदुइज्म का कल्ट या हिंदुइज्म का सेक्ट माना जाए, ना ही वीरा शैविज्म का एक सेक्ट माना जाए, ठीक है। ये चाहते हैं कि लिंगायत्स का, ये बोलते हैं, ये क्लेम करते हैं कि लिंगायत इज इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म एंड वीरा शैविज्म, ठीक है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हिंदुइज्म जो है हिंदुइज्म का ही सबसेक्ट है वीरा शैविज्म, और ये दोनों ही वैदिक लिटरेचर, वैदिक रिलीजियस प्रैक्टिस में मानते हैं। लिंगायत्स कहते हैं कि हम इसमें नहीं मानते, हम तो सिर्फ बासवेश्वरा के जो टीचिंग है उसमें मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली लिंगायत्स का कहना ये है कि हमको जो सेंटर है वो एक अलग कास्ट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करें, एक अलग माइनॉरिटी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करें। अब ऐसा लिंगायत्स क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या करने से क्या हो जाएगा, तो लिंगायत्स का कहना ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम बची है, हमारा जो पूरा कल्चर है उसके ऊपर थ्रेट है, किसका, एक्सटिंक्शन का, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, और ये सब चीज़ें जो है इन सब से हम तभी बच सकते हैं, एक्सटिंक्शन से हमारी जो पॉपुलेशन कम हो रही है उससे हम तभी बच पाएंगे जब जो सेंटर है वो हमको माइनॉरिटी स्टेटस देगा, ठीक है। अब माइनॉरिटी स्टेटस देगा तो माइनॉरिटी स्टेटस के बाद सेंटर जो है, गवर्नमेंट जो है, कई सारे एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देती है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो इनको ये एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस चाहिए सो दैट ये थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन से बच सके, ठीक है। तो आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओगे माइनॉरिटी
ये माइनॉरिटी वर्ड कहाँ पे यूज्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि हमारे देश में प्रेजेंटली कितनी माइनॉरिटीज़ है, नंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी है और कितनी कितनी माइनॉरिटीज़ है, और कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ को इसमें रखा गया, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटीज़ के तौर पर रिकग्नाइज किया गया है। नाउ देखो, लिंगायत्स जो हैं ये कर्नाटका के अलावा महाराष्ट्र में भी मिलते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं, और यहाँ पे ये मानते हैं कि ये जो इनका रिलीजन है लिंगायत रिलीजन, ये इंडिपेंडेंट है, ये हिंदुज़म का सेक्ट नहीं है, और ये जो रिलीजन है ये बासवेश्वरा ने 12th सेंचुरी में फाउंड किया था, ठीक है, और ये हिंदुज़म का पार्ट नहीं है, ये लोग मानते हैं। ओके, तो लिंगायत्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2022। आगे बात करते हैं, जून सितंबर रेनफॉल लाइकली टू बी 103% IMD। तो देखो यहाँ पे जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये वेदर फोरकास्ट करता है, मानसून के बारे में प्रिडिक्ट करता है, और जब ये मानसून के बारे में प्रिडिक्ट करता है तो ये एक टर्म यूज़ करता है जिसको यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हुए IMD बताता है कि इस साल कितनी रेनफॉल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनसून रेनफॉल के बारे में बोला गया है कि इस साल 99 to 103% रेनफॉल होगी। तो ये क्या है इसके बारे में समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है। तो देखो, IMD जो है ये प्रिडिक्ट करता है मॉनसून को कि ये नॉर्मल होगी, बिलो नॉर्मल होगी, बिलो अबव नॉर्मल होगी, किस तरह की मॉनसून होगी इस साल। इसके लिए एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है जिसको लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं, ठीक है। अब IMD में जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है रेनफॉल का, ये रिकॉर्ड किया जाता है ओवर अ लार्जर टाइम, ठीक है। तो जैसे मान लो लास्ट 30 ईयर्स में, लास्ट 50 ईयर्स में किसी पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की रेनफॉल हो रही है, उसके एवरेज को यहाँ पे हम लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है लॉन्ग पीरियड एवरेज, तो लॉन्ग पीरियड यानी कि 30 to 50 ईयर्स, और इनका एवरेज निकाल के देखा जाता है कि कितनी रेनफॉल ओवर अ पर्टिकुलर रीजन हुई है, इस पर्टिकुलर जो रीजन है इसमें कितने इंटरवल में, ठीक है। नाउ देखो, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है, लॉन्ग पीरियड एवरेज इसकी क्या ज़रूरत है। तो देखो, लॉन्ग पीरियड एवरेज की ज़रूरत क्या है, तो देखो यहाँ पे जब भी हम किसी रेनफॉल को देखते हैं, किसी रेनफॉल को मेजर करते हैं किसी रीजन में, तो अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। किसी रीजन में ज़्यादा बारिश होती है, किसी में कम होती है, ईयर टू ईयर भी चेंज होती है, रीजन टू रीजन भी चेंज होती है, मंथ टू मंथ चेंज होती है। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है एक हमको स्मूद ट्रेंड देता है, हमको एक रीजनेबल एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए, इसीलिए लॉन्ग पीरियड एवरेज की ज़रूरत पड़ती है। नाउ देखो, IMD जो है वो जब प्रिडिक्ट करता है मॉनसून को, तो किस तरह से करता है, ये पांच कैटेगरीज में प्रिडिक्ट करता है, पांच रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज बताता है ये। जैसे पहला है नॉर्मल या नियर नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल या नियर नॉर्मल में बोलते हैं ये, IMD बोलता है कि अगर जो रेनफॉल प्रिडिक्शन है वो इस तरह का है कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसका 96 to 104% यहाँ पे बारिश होने वाली, मतलब जैसे मान लो लॉन्ग पीरियड एवरेज है जितना भी, उसका 96% इस साल होगा, या 104% होगा, या 100% होगा, तो ये नॉर्मल रेनफॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल रेनफॉल जो है 10% का यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड एवरेज के साथ। बिलो नॉर्मल क्या है, बिलो नॉर्मल है जब लॉन्ग पीरियड एवरेज का 90 to 96% का मॉनसून प्रिडिक्शन है, तो ठीक है, तो इसको कहेंगे बिलो नॉर्मल। अबव नॉर्मल वो है जिसमें लॉन्ग पीरियड एवरेज का 104 से 110% यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाता है। डिफिशियंट वो है जहाँ पे लॉन्ग पीरियड एवरेज का 90% से भी कम इस बार का रेनफॉल अगर प्रिडिक्ट किया जा रहा है, और एक्सेस वो है जहाँ लॉन्ग पीरियड एवरेज का 110% से भी ज़्यादा का प्रिडिक्शन है इस बार। ओके, तो ये पांच कैटेगरीज आपको याद होनी चाहिए, इसके बारे में सीधे क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पे न्यूज़ ये थी कि इस बार जो है 99 to 103% लॉन्ग पीरियड एवरेज का मानसून एस्टिमेटेड है, ठीक है। अब ये हमको पता है कि ये कौन सी रेंज में आता है, नॉर्मल मानसून की रेंज में आता है, ठीक है, नॉर्मल मानसून की रेंज में आता है, और चार ब्रॉड रीजन्स के लिए अलग अलग यहाँ पे प्रिडिक्शन है। सेंट्रल इंडिया के लिए अलग है, सदर्न पेनिनसुला के लिए अलग है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल इंडिया की बात करें और सदर्न पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है नॉर्मल से, 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज यहाँ पे बारिश होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे रेनफॉल जो है सबसे ज्यादा जो होने वाली है इस साल, तो वो बोला जा रहा है वो सेंट्रल इंडिया और सदर्न पेनिनसुला में होगी, और नॉर्मल होने वाली है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये देखो ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस साल कितनी बारिश हुई, ठीक है, कि लॉन्ग पीरियड एवरेज की 99% बारिश हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए कि IMD किस तरह से कैटेगराइज करती है। ओके, आगे बात करते हैं,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। तो देखो इस ये न्यूज़ में क्यों था चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, इसीलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन इसी साल में हो जाएगा। जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इसी साल के एंड तक हो जाएगा। नाउ ये क्या है, पूरा प्रोग्राम क्या है? तो यहाँ पे प्लान ऐसा है कि हमारे देश में जो चीता है उसकी पॉपुलेशन हो चुकी है एकदम एक्सटिंक्ट। ठीक है, जो चीता हमारे यहाँ मिलता था उसको हम एशियन चीता कहते थे। ठीक है, एशियन चीता। अब ये जो एशियन चीता है ये आज की डेट में सिर्फ ईरान में मिलेगा और वो भी बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो हम चाह रहे थे कि चीता को हम अपने देश में फिर से रीइंट्रोड्यूस करें सो दैट हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए वापस से थोड़ा सा रिजुविनेट होने का इनको चांस मिले। ठीक है, तो इसीलिए हमने चीताज को रीइंट्रोड्यूस करने की बात करी। अब ये रीइंट्रोड्यूस क्या है कि हम जो नॉर्मल चीता का हैबिटेट है वहीं पर बाहर से चीताज को लाकर यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस करेंगे। तो प्लान ऐसा है कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हम चीता को लाएंगे और कूनो पालपुर सेंचुरी है श्योपुर में। ठीक है, यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाके कूनो पालपुर जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है वहाँ पे इनको रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत में हम 12 चीता लेके आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम चीता का नंबर जो है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसके पीछे जो मिनिस्ट्री है वो है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और जो बॉडी है वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडिया का जो प्लान है ये चीता को इंट्रोड्यूस करने का, एक तो देखो ये कूनो नेशनल पार्क में था। ठीक है, जिसकी बात हमने करी, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट होने वाला है। अब देखो जो साउथ अफ्रीका है और नामीबिया कहाँ पे आता है, अफ्रीका में आता है, इंडिया जो है एशिया में आता है। तो हम अफ्रीका से चीतास को रीइंट्रोड्यूस करके एशिया में लाने वाले हैं। तो ये पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ये रीइंट्रोडक्शन हो रहा है चीतास का। ठीक है, अब देखो दो तीन चीजें चीता के बारे में देख लो। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये चीता का ही पिक्चर है। ओके, तो देखो चीता का जो साइंटिफिक नेम है वो है एक्विनोक्सिस जुबैटस। ओके, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशीज है और इसके एंसिस्टर्स जो हैं काफ़ी लंबे समय के पुराने हैं, मतलब 5 मिलियन ईयर्स पुराने इनके एंसिस्टर्स मिलते हैं। ठीक है, इस स्पीशी के जो चीता है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, फास्टेस्ट दौड़ता है। ठीक है, अफ्रीकन चीता जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है IUCN की रेड लिस्ट में। ठीक है, अब ये IUCN जो है कुल मिला के 9 कैटेगरीज में रखता है स्पीशीज को, इसमें से वल्नरेबल कैटेगरीज में रखा गया है अफ्रीकन चीता को। ठीक है, जिसको हम रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इस चीता को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। जो हमारा यहाँ पे चीता था, जो हमारे यहाँ पे हुआ करता था, वो था एशियाटिक चीता, जो कि अब हमारे देश से एक्सटिंक्ट हो चुका है, सिर्फ ईरान में मिलता है। इसको यहाँ पे IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, कंट्री हमारी जो कंट्री है इसमें लास्ट चीता जो हमने देखा था एशियाटिक चीता हमारे देश में वो 1947 में छत्तीसगढ़ में देखा गया, उसके बाद एक और बार दिखा था वो 1952 था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट चीता आपको कहाँ कब देखा गया इंडिया में, तो 1952 में देखा गया था। ठीक है, तो ये था पूरा चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में न्यूज़। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडस वाटर टॉक्स हेल्ड ऑन कॉर्डियल टर्म्स। तो देखो पूरी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि इंडस रिवर दो कंट्रीज से मेजरली फ्लो करती है, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अब इन दोनों कंट्रीज़ का जब से डिवीज़न हुआ तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। ऐसे में इंडस रिवर जो था एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया कि इसका जो पानी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पे अलोकेट किया जाएगा। अब इंडिया के पास इसको लेकर अपर हैंड था। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो अपर रिपेरियन कंट्री है। अपर रिपेरियन कंट्री यानी कि जो शुरुआत होती है ना इंडस रिवर सिस्टम की, वो यहाँ से ही होती है, इंडिया से ही होती है। ठीक है, तो इंडिया के पास ये अपर हैंड था कि इंडिया चाहे तो इंडस रिवर का जो पूरा पानी है वो अपने ही देश में रोक सकती है, पाकिस्तान तक नहीं जाएगा अगर इंडिया चाहेगा तो। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने ये समझी बात कि एक तो देखो ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, ठीक है, पानी तो किसी को भी किसी का भी यहाँ पे पानी नहीं रोकना चाहिए, पानी पिलाना हमारे देश में सबसे बड़ी जो है पुण्य माना जाता है, हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा पुण्य है। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के कारण इंडिया ने इस पानी को नहीं रोका। दूसरा कॉज ये भी था कि हम यहाँ पे नहीं चाहते थे कि हमारे देश में कुछ ऐसी फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे जो नेचुरल फ्लो है इंडस रिवर का उसको डिस्टर्ब कर रहे होंगे अगर हम इंडस रिवर का जो पूरा पानी है इंडिया में रोक रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के
जिसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये इतना आसान नहीं था इस ट्रीटी का साइन होना। 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी और इसकी ब्रोकरिंग, जो ब्रोकर करा था इसको, मिडिल मैन जो था यहाँ पे वो कौन था, वो था यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को ब्रोकर किया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने करी थी। ठीक है, अब देखो अभी इसको लेकर न्यूज़ ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक कमीशन बनाई गई है। ठीक है, ये कमीशन इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत ही बनाई गई है और ये कमीशन अभी बैठी थी, अभी इनका मिलने का कुछ ऐसा प्रोविजन हुआ और इन्होंने इंटरेक्ट किया है और कॉर्डियल टर्म्स पे ये पूरी मीटिंग खत्म हुई है। अभी इस मीटिंग का क्या आउटकम है ये सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शांति से जो मीटिंग है वो हो गई है। ठीक है, तो अब देखो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ें, उसके पहले इंडस रिवर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो यहाँ से ये इंडस रिवर है, ये निकलती है चाइना से। ओके, और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके नाम आई होप आपको पता होंगे। तो ये कौन कौन सी हैं 5 ट्रिब्यूटरीज? एक है झेलम, एक है चिनाब, एक है रावी, एक है सतलुज, एक है ब्यास। ठीक है, ये सब कैसी रिवर्स हैं? ये सब जो हैं ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे गिलगिट है, श्योक है, ठीक है, नुब्रा है। ओके, उसके बाद इस्वात है, काबुल है, ओके, गोमल है, जोब है, ये सब जो है ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ऑलराइट, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पे याद रखना, जास्कर जो है, जास्कर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन, आज का थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो ये इंडस और इसकी ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, कुल मिला के 6 जो रिवर्स हैं, इनमें से कौन कौन सी रिवर इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती है, इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती, ये मुझे आप बताओगे इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, आगे बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। तो देखो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली यही है कि इंडस रिवर का जो वाटर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये ट्रीटी साइन हुई थी सितंबर 1960 को। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर कराया था और 8 साल लगे थे इस ट्रीटी को साइन करने में, 8 साल तक नेगोशिएशन चला था। ठीक है, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो यहाँ पे इंडस रिवर भी जो थी वो बट गई, इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बट गई। तो अब देखो इस ट्रीटी के अंतर्गत कहा क्या गया है, इस ट्रीटी में कहा गया है जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी, इंडस, झेलम और चिनाब, जो 3 रिवर्स हैं, इनके ऊपर इंडिया के जो राइट्स हैं वो कैसे रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, इनके ऊपर, इन 3 रिवर्स के ऊपर जो मेजर राइट्स हैं वो पाकिस्तान के रहेंगे और जो इंडिया के राइट्स हैं, इंडिया के राइट्स इसके ऊपर लिमिटेड रहेंगे। और किस तरह के राइट्स रहेंगे इनके ऊपर, तो इरिगेशन के लिए रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स बना सकते हैं, लिमिटेड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, डोमेस्टिक कंजप्शन या यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ओके, अब ईस्टर्न रिवर्स जो हैं, ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी हैं तीनों, देखो ईस्टर्न रिवर्स हैं सतलुज, ब्यास और रावी। इन तीनों के ऊपर मेजर राइट्स इंडिया के रहेंगे और लिमिटेड राइट्स पाकिस्तान के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इंडिया के रिगार्डिंग ईस्टर्न रिवर्स, वो इंडिया के पास है ना, और इसके ऊपर जो पाकिस्तान के राइट्स हैं बहुत लिमिटेड हैं। इंडस वाटर कमीशन भी एक बनाई गई, ठीक है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुई है इंडस वाटर कमीशन। तो ये देखो ये हर 5 साल में एक बार मिलती है और जनरल इंस्पेक्शन करती है कि किस तरह से रिवर्स का फ्लो चल रहा है। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो है जनरल इंस्पेक्शन हर 5 साल में करती है और मिलती हर साल है। ठीक है, तो मीट्स वंस अ ईयर। ओके, एंड कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एवरी 5 ईयर। ऑलराइट, तो इंडस वाटर कमीशन के बारे में भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम आर्टिकल आज का जो है वो है तालिबान रिजाइम के बारे में। तो देखो यहाँ पे यूएन की एक रिपोर्ट आई है, बेसिकली यूएनएससी की एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है कि तालिबान रिजाइम जो है वो कैसी क्या चल रही है, क्या स्टेटस है तालिबान रिजाइम का, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अभी वो क्या कर रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो यूएनएससी की रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि तालिबान ने जब से एक्वायर किया है ना अफगानिस्तान को जब से तालिबान ने एक्वायर किया है, इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, तालिबान के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। एक तो पॉलिटिकल प्रेशर है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इनको फॉर्म करके रखनी है, दूसरा ये प्रेशर है कि इनको फॉरेन रिलेशन है वो इस्टेब्लिश करने हैं विथ लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अगर इनको रिलेशंस निभाने हैं तो ये टेररिज्म वगैरह वाली चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे तालिबान जो है उसका जो यहाँ पे जो रंग ढंग है वो बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा है, और तालिबान के साथ जुड़ी हुई जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी शांति से बैठी हैं, कोई बड़ा अटैक उन्होंने अफगानिस्तान के बाहर किया नहीं है 2023 के पहले तक।
ठीक है, अभी मतलब अभी जो टाइम दिख रहा है तालिबान जब से आया है तब से ऐसा कोई अटैक हुआ नहीं है ना। देखो ये जो पूरी टीम है जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, ये कैसे रिपोर्ट बनाई, क्या मैंडेट है इसका? तो देखो ये जो पूरी रिपोर्ट बनी है ये सैंक्शन कमेटी के थ्रू बनी है, और ये जो रिपोर्ट है ये सर्कुलेट हुई है सारी कमेटी मेंबर्स में। ये क्या काम की है? ये इस काम की है कि यूएन की जो स्ट्रेटेजी है आगे अफगानिस्तान को लेकर वो इसी रिपोर्ट के बेसिस पे बनाई जाएगी। इंडिया जो है करंटली यूएनएससी को यहाँ पे हेड कर रहा है, जो यूएनएससी की जो सैंक्शन कमेटी है उसको चेयर अभी इंडिया कर रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब से तालिबान आया है अभी पावर में, तब से यूएनएससी की पहली ऐसी रिपोर्ट ये आई है। ठीक है। यहाँ पे यूएन की जो टीम है वो तो अफगानिस्तान जा नहीं पाई, क्योंकि जाती तो वापस आ नहीं पाती। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एविडेंस गैदरिंग के थ्रू ये रिपोर्ट बनाई है। ना देखो ये रिपोर्ट क्या बोलती है अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो दो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इंडिया से रिलेटेड, एक तो है जैश मोहम्मद और एक है लश्कर तैयबा। ठीक है। ये जो दोनों टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनकी ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं अफगानिस्तान में। ठीक है। दोनों ही ग्रुप्स तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छे लिंक्स हैं तालिबान के साथ इन दोनों ही ग्रुप्स के। और यहाँ पे जो लश्कर ए तैयबा है इनकी ये हिस्ट्री रही है कि इनको फाइनेंस और ट्रेनिंग जो है वो तालिबान ऑपरेशंस को ये देते हैं। ठीक है। तो जो भी फाइनेंस और ट्रेनिंग की चीज़ें हैं वो लश्कर ए तैयबा के थ्रू होती है। ठीक है। अलकायदा का भी यहाँ पर रोल है, अलकायदा के कई सारे फाइटर्स अफगानिस्तान में देखे जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा कांधार के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी ये जो है अग्रेसिव और लेस अग्रेसिव किसी भी तरह से ये फाइटर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके बारे में इंटरनल टेंशन की क्या न्यूज आ रही है? ऐसी न्यूज आ रही है कि तालिबान जो है जब से अक्वायर किया है इन्होंने अफगानिस्तान को, ये दो भागों में बढ़ गया है। एक भाग है मॉडरेट, एक है हार्ड लाइन। मॉडरेट ब्लॉक जो है वो ये चाहता है कि हम फॉरेन पार्टनर्स के साथ इंटीग्रेट हों, इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा बने, तभी हम यहाँ पे एज अ गवर्नमेंट बना के अफगानिस्तान में ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाएंगे। ठीक है। लेकिन हार्ड लाइनर्स जो है वो एकदम ही कट्टर हैं और ये मानते हैं कि हमारा जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है सिर्फ हम उसी पर फोकस करें। ठीक है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन बनाने की, ये मानते हैं हार्ड लाइनर्स। तो इन दोनों के बीच में टसल चल रही है। ओके। अब देखो यहाँ पे इसी से एक इंडिपेंडेंट अकाउंट नेटवर्क है जिसका नाम है हक्कानी नेटवर्क। ये हक्कानी नेटवर्क वैसे तो इंडिपेंडेंट है लेकिन हार्ड लाइनर्स की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है इसका। तो इनके कारण भी ये जो जो यहाँ पे डिवाइड है तालिबान के बीच में ये ज्यादा, तो इन हक्कानी नेटवर्क के कारण ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या एथनिक डायनेमिक्स हैं इससे रिलेटेड। तो देखो ये बोला जा रहा है कि तालिबान जो है जब तक इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर रूल करना स्टार्ट नहीं किया था, अफगानिस्तान के ऊपर अक्वायर नहीं कर ली थी पूरी पावर, तब तक ये काफ़ी ज़्यादा कोहेजन था इसके अंतर्गत, इंटरनल कोहेजन अच्छा था, स्टेबिलिटी थी, यूनिटी थी। ठीक है। लेकिन आफ्टर द तालिबान अक्वायर्ड अफगानिस्तान, यहाँ पे जो डिवाइड है तालिबान के बीच में वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और एक रीज़न इसका एथनिक यहाँ पे रीजन भी है, जैसे पश्तून और नॉन पश्तून के बीच में हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो तालिबान है उसमें भी अलग अलग तरीके से डिवाइड्स देखने को मिल रहे हैं। अदर टेररिस्ट ग्रुप्स का क्या है? तो देखो एक और यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। ये जो है लार्जेस्ट कंपोनेंट है, जो अफगानिस्तान में मेजर टेररिस्ट ग्रुप्स है ना उसमें लार्जेस्ट ग्रुप तहरीक ए तालिबान है। ठीक है। ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे लोकेटेड है। ओके। और यहाँ पे जो ये तहरीक तालिबान है, ठीक है, इनका ये है कि ये तालिबान के टेक ओवर से सबसे ज़्यादा फायदा जिसको हुआ है वो इन्हीं को हुआ है। ठीक है। लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो गई है, कम हो गई है। अभी ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि तहरीक तालिबान फिर से अटैक्स करना शुरू करे आफ्टर तालिबान, अगर तालिबान में हार्ड लाइनर्स जो हैं वो जीत जाते हैं ये जो बैटल है इंटरनल कोहेजन की, इंटरनल डिवाइड की, तो यहाँ पे तहरीक तालिबान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में आज भी प्रेजेंट हैं, लेकिन इसके कारण सिर्फ अफगानिस्तान का ही सिक्योरिटी कंसर्न नहीं बनता, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी ज़्यादा इनसिक्योर हैं, काफ़ी ग्रेव कंसर्न है ये चीज़ें नेबरिंग कंट्रीज के लिए और ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया हो। तो आज के सेशन में इतना ही था, मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं आज के सेशन में, तो इनके आंसर्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।